बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी है कि वो जय श्री राम के उद्घोष के लिए उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। शाह ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो पश्चिम बंगाल में उन्हें रैलियां करने से रोक सकती हैं, लेकिन वो राज्य में बीजेपी की विजय यात्रा नहीं रोक पाएंगी। बीजेपी अध्यक्ष ने जॉयनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले कैनिंग में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, यदि कोई जय श्री राम का उद्घोष करता है तो ममता दीदी नाराज हो जाती हैं। मैं आज यहां जय श्री राम का उद्घोष कर रहा हूं। यदि आप में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैं कोलकाता में होऊंगा। सोशल मीडिया पर हाल में एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें ममता घाटा लोकसभा सीट में जय श्री राम का उद्घोष करने पर लोगों पर नाराज हो रही थी। शाह ने बरुईपुर में उनके हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति नहीं देने को लेकर तृणमूल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी की सरकार स्पष्ट रूप से घबराई हुई है, वो मुझे रैलियां करने से रोकना चाहती है। क्या आप इस तरह अपनी हार रोकना चाहती हैं? उन्होंने कहा, तृणमूल मुझे रैलियां संबोधित करने से रोक सकती है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विजय यात्रा नहीं रोक सकती। राज्य सरकार ने शाह का हेलीकॉप्टर उतरने और बरुईपुर में जनसभा को संबोधित करने की उन्हें अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद शाह की जादवपुर लोकसभा सीट में निर्धारित रैली रद्द कर दी गई। शाह ने घुसपैठियों को दीमक करार दिया जो इस देश के संसाधनों को खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी केंद्र में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद इन घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से बाहर निकालेगी, हम बंगाल का गौरव फिर से लौटाएंगे। ममता बनर्जी ने सोनार बांग्ला को कंगाल बांग्ला में बदल दिया है। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए घुसपैठियों का बचाव करने में उनकी रुचि है, लेकिन उनका वोट बैंक उन्हें निकट आती हार से बचा नहीं पाएगा। शाह ने राज्य में कथित सिंडिकेट राज चलाने के लिए ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लाभ पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा, पहले सिंडिकेट टैक्स था, अब भतीजा टैक्स ने इसकी जगह ले ली है। हमें बुआ भतीजे की इस स्पष्ट सरकार को बाहर करना होगा, हम इस भ्रष्ट शासन को हराएंगे। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।